अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन किडनीज़, इंसान के अंदर किडनीज़, उनको डिस्कस किया जाएगा। अब जो किडनीज़ हैं ये, इनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो इंसान के अंदर, ह्यूमंस में 2 किडनीज मौजूद होती हैं, एक राइट साइड पर और दूसरी लेफ्ट साइड पर। और जो किडनीज हैं इनमें मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हर किडनी में इनकी तादाद मिलियंस में होती है नेफ्रॉन के, और नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट कहलाएगी। तो इसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो एक ये एब्डोमेन की बैक साइड पर किडनीज मौजूद होती हैं, तो एक जो है उसको राइट किडनी कहा जाएगा, जो राइट साइड पर होगी, और दूसरी जो है उसको लेफ्ट किडनी कहा जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड पर मौजूद होती है। अब जो राइट किडनी है ये स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, देन लेफ्ट किडनी, यानी लेफ्ट किडनी से ये थोड़ा सा लोअर साइड पर होती है, और जबकि लेफ्ट किडनी थोड़ा सा अप होगी। अब ये स्लाइटली ब्लो होगी लीवर की वजह से, क्योंकि राइट साइड पर लीवर होते हैं, और लीवर की वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, जबकि जो लेफ़्ट किडनी है वो कंपैरेटिवली अप साइड पर होगी। अब जो किडनीज हैं ये बीन शेप्ड होती हैं, बीन शेप्ड ये होती हैं, यानी लोबिया के बीज की तरह इनकी शेप होती है। तो एक साइड से ये कनकेव होगी थोड़ा सा, और दूसरी साइड से ये कन्वेक्स होगी। अब इसके जो डायग्राम है उसके लिहाज से हम देखेंगे। अब किडनी में ये जो जगह होती है, ये अंदर को जो डिप्रेशन होता है, इसको हाइलस का नाम दिया जाता है, हाइलस, इसको हाइलस कहा जाएगा। और जहाँ पर इसके कैविटी होती है, जहाँ पर कैविटी होगी उसको पेल्विस कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेल्विस। अब जितनी भी जहाँ पर एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं वो सारी की सारी जहाँ पर आकर कंबाइन करती हैं, और इस तरह से जो यूरिन है वो इस कैविटी में आकर कलेक्ट हो जाता है। अब जहाँ से इस तरह से एक ट्यूब राइज करती है नीचे की तरफ, जैसे एक ट्यूब राइज करेगी, अब इस ट्यूब को यूरिटर कहा जाता है, यूरिटर, इस ट्यूब को यूरिटर कहा जाएगा। और ये यूरिटर जाकर
जहाँ पर एक ब्लैडर होगा, ब्लैडर, तो ये ब्लैडर में ओपन करेगी, और इस तरह से जहाँ पर दूसरी किडनी भी, जो किडनी है उसकी भी ओपनिंग मौजूद होगी, तो ये इस तरह से जहाँ पर ओपन करेगी इस जगह पर। अब ये जो सुराख होते हैं जहाँ पर, इनको यूरिट्रल ओरिफिस कहा जाता है, यूरिट्रल ओरिफिस, इनको यूरिट्रल ओरिफिस का नाम दिया जाता है, यूरिट्रल ओरिफिस। और जहाँ से एक मेन, जहाँ से एक डक्ट निकलती है, जहाँ से, इसको यूरिथ्रा कहा जाता है, इसको यूरिथ्रा कहा जाएगा। इस तरह से पेल्विस के अंदर जो यूरन होगा वो आएगा यूरिटर में, और यूरिटर से जे आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से एक ट्यूब राइज करेगी, जिसको यूरिथ्रा कहा जाएगा। अब जहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल होगा, जहाँ पर स्फिंक्टर मसल यानी एक रिंग लाइक मसल होगा जहाँ पर, जिसको स्फिंक्टर मसल कहा जाता है, स्फिंक्टर मसल कहा जाएगा। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर यूरन से फिल हो जाएगा, तो ये रिलैक्स कर जाएगा, और इस तरह से जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरन होगा यहाँ पर, तो ये यूरिथ्रा में एंटर हो जाएगा। अब यूरिथ्रा जो होता है फीमेल, उसका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसको विजाइना कहा जाता है। तो ये विजाइना के यानी नज़दीक ये ओपन हो जाते हैं, उसको विजाइना कहा जाएगा, यानी फीमेल में ये एम्प्टी होगा नियर विजाइना। तो विजाइना फीमेल में बच्चे दानी को कहा जाता है, रहम को कहा जाता है, जहाँ पर बच्चे की बर्थ कैनाल इसको कहा जाता है, उसको जो है बर्थ कैनाल का नाम दिया जाता है विजाइना को। विजाइना जो है बर्थ कैनाल है, तो वो जो बर्थ कैनाल, तो जिसके ज़रिए बच्चे की बर्थ होती है, उसको विजाइना कहा जाता है। तो उसकी आगे जो ऊपर कनेक्शन होता है वो यूट्रस के साथ होता है, तो यूट्रस को रहम कहा जाता है, बच्चेदानी कहा जाता है। यूट्रस को रहम कहा जाएगा, बच्चेदानी कहा जाएगा, और वो बाहर की तरफ उसका लिंक होगा थ्रू विजाइना। तो विजाइना उसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। तो वहाँ पर ये उस विजाइना के करीब ये एम्प्टी हो जाएगा, और जबकि मेल में ये पीनस के ज़रिए, यानी मेल का जो कपुलेटरी आर्गन है उसको पीनस कहा जाता है, तो ये पीनस में से गुजर कर जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो ये जो स्फिंक्टर मसल होते हैं, ये यूरन की जो रिमूवल है उसको रेगुलेट करते हैं। तो जो अडल्ट होते हैं वो इस डिज़ायर को थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं, यानी उनको इस पर कंट्रोल होता है, वो यूरिन की रिमूवल को डिले कर सकते हैं। जबकि जो इन्फेंट्स होते हैं, शीर्खा बच्चे होते हैं, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती, और तकरीबन 2 साल के बाद उनमें भी ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है।
अब ये जो जिसको हम हाइलस कहते हैं, जहाँ से एक तो यूरिटर अराइज करता है और दूसरा जहाँ पर ये होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो एंटर होती हैं, जहाँ से कि मतलब ये इस तरह से आर्टरी आ रही है और ये इस तरह से जेस में एंटर होगी जेस, तो इसको रीनल आर्टरी कहा जाता है, रीनल आर्टरी कहा जाएगा, रीनल आर्टरी, इसको रीनल आर्टरी कहा जाता है। और इसका ये जो पार्ट होते हैं इसको एफरेंट कहा जाता है, एफरेंट यानी जो किडनी की तरफ आए उसको एफरेंट कहा जाएगा, लीडिंग टूवर्ड्स किडनी, लीडिंग टूवर्ड्स किडनी, जो कि किडनी की तरफ लीड करेगा। और आगे ये जो इसका पार्ट होगा जो आगे की तरफ जाएगा इसको एफरेंट कहा जाता है, एफरेंट यानी लीडिंग अवे, लीडिंग अवे। तो ये किडनी से परे की तरफ जाती है इसे इसको एफरेंट आर्टरी का नाम दिया जाता है, एफरेंट आर्टरी। तो ये एफरेंट आर्टरी और इसको एफरेंट आर्टरी कहा जाता है, इसको एफरेंट और उसको एफरेंट आर्टरी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो ब्लड है जिस तरह से किडनी की तरफ आएगा। अब जहाँ पर वेन भी मौजूद होगी, जहाँ से ब्लड जो है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये किस में आएगा, ये वेन में आएगा, उसको रीनल वेन कहा जाएगा, रीनल वेन, उसको रीनल वेन का नाम दिया जाता है। यानी ये हाइलस एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा एरिया है, लोकेशन है कि जहाँ से ही यूरिटर अराइज करते हैं और जहाँ पर ही आर्टरीज किडनी के अंदर दाखिल होती हैं और जहाँ से ही जो रीनल वेन्स अराइज करती हैं और जहाँ पर ही जो न्यूरॉन हैं वो किडनी के अंदर एंटर होते हैं। अब इसका जो मेन रोल किडनी का वो ब्लड फिल्ट्रेशन है कि ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं उनको फिल्टर करना, ये किडनी का काम होता है। अब इसमें किडनी और ब्लड इनका एक अहम रोल होता है, लेकिन अगर हम इनका वेट के लिहाज से देखें तो किडनीज का जो वेट होता है ये टोटल बॉडी वेट का 1% होगा, टोटल बॉडी वेट का 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ऑफ टोटल बॉडी वेट, तो ये टोटल बॉडी वेट का 1% होता है। लेकिन अब फिल्ट्रेशन के लिहाज से देखें, ब्लड फ्लो के लिहाज से देखें तो हर कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट के जब हार्ट बीट करते हैं तो हार्ट से जब ब्लड निकलेगा तो उसका ये तकरीबन 20% पूरे ब्लड का 20% ये किडनीज की तरफ फ्लो करेगा, तकरीबन 20% ये किडनीज की तरफ मूव करेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सक्रीटरी फंक्शन में इसका क्या रोल होगा किडनी का और ब्लड का। अब इसी तरह से जो लेफ्ट किडनी है उसमें भी उसका भी यही स्ट्रक्चर होगा और वहाँ से भी यूरिटर अराइज करेगा और ये जो ओपनिंग है ब्लैडर में जिसको यूरिट्रल ऑरिफिस कहा जाता है, तो जहाँ से ये ब्लैडर में ओपन करती हैं और इस तरह से यूरिन जहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाएगा। अब ये तो आपने इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी किया, तो जब हम इसको
डाइसेक्ट करते हैं किडनी को, तो फिर इसमें दो स्ट्रक्चर आपको नुमाया नज़र आएंगे इस तरह से। अब एक जो है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, कॉर्टेक्स, और एक जो है उसको मेडुला कहा जाएगा। ये हम इंशाल्लाह ये कल करेंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला इनको कहा जाता है। अब इसके अंदर जहाँ पर नेफ्रॉन मौजूद होंगे, जहाँ पर नेफ्रॉन मौजूद होंगे। अब जो कॉर्टिकल रीजन में होते हैं उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है, और जो नीचे मेडुला तक जाते हैं, जहाँ पर मेडुला तक जाएंगे तो इनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे, तो उसमें कल का डिटेल के साथ हम नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, उसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।